खबर धमतरी से है, जहां छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर उपचुनाव में मतगणना के पिटारे खुले में अब से कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। ऐसे में प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आने में कुछ घंटे शेष हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के साथ साथ नेताओं की बेचैनी भी बढ़ने लगी है। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी रायपुर से भानुप्रतापपुर जाने से पहले धमतरी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष निशु चंद्राकर के दफ्तर पहुंचकर चर्चा की। मां अंगार मोती दर्शन करने के लिए गंगरेल पहुंची। मत पेटी खुलने से पहले अंगार मोती माता का मत्था टेक अपने जीत को लेकर आशीर्वाद मांगा और भानुप्रतापपुर के लिए खुशहाली की कामना की। पूजा अर्चना करने के बाद सावित्री कांग्रेस प्रत्याशी मंडावी भोले भूपेश सरकार की योजनाओं को लेकर जनता के बीच, इसके साथ ही स्वर्गीय मनोज मंडावी जी के द्वारा किए गए विकास को लेकर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जनता ने पूरे विश्वास के साथ हमें भारी मतों से जीत दिला रहे हैं। धमतरी से राजू गोसाई की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर पखांजूर से है, जहां भानुप्रतापपुर उपचुनाव की मतगणना आज होनी है। मतगणना को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। 3 लेयर की सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को सील किया गया है। मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जाएगी, जिसके उपरांत ईवीएम मशीनों से वोटों की गिनती आरंभ होगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व अन्य चीजें प्रतिबंधित है। भानुप्रताप देव शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना होनी है। मतों की गिनती के लिए गणना हॉल में 14 टेबल लगाए जाएंगे, जहाँ 19 राउंड में मतगणना सम्पन्न होगी। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर कोरिया से है, जहां कोरिया जिले के धान खरीदी केंद्र धोरा टिकरा में शासन से तिरपाल खरीदी हेतु पर्याप्त राशि मिलने के बाद भी समिति प्रबंधक अजय साहू के द्वारा धान खरीदी कार्य में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, स्थानीय सांसद व विधायकगण के फोटो युक्त फ्लेक्स बैनरों को तिरपाल के स्थान पर उपयोग किया जा रहा है। उसी पर खड़े होकर पैर से कुचलते हुए समिति में धान का तौल हो रहा है, जिसे स्थानीय विधायक व संसदीय सचिव अंबिका सिंह देव ने संज्ञान में लिया। वह धान खरीदी केंद्र धौरा टिकरा में जनप्रतिनिधियों के इस घोर अपमान की घटना के जिम्मेदार समिति प्रबंधक अजय साहू के विरुद्ध सिटी कोतवाली बैकुंठपुर में शिकायत दर्ज कराने विधायक स्वयं पहुंचे। एक ओर जहां क्षेत्रीय सांसद ज्योत्सना चरण दास महंत दिल्ली सत्र में मौजूद होने के बावजूद इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु जिला प्रशासन को निर्देशित किया, वहीं सहकारिता विभाग के जिलाधिकारी सहायक पंजीयक इस घटना से बेखबर हैं। अब देखना है कि बैकुंठपुर कोतवाली थाने के द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। कोरिया से कमलेश एक्का की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।